नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल मैथ्स चैनल में, जहां आप सीखते हैं मोबाइल कंप्यूटर से जुड़ी हुई लेटेस्ट टेक्निक टिप्स और ट्यूटोरियल के बारे में। मैं हूं करण दादिया और आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के सबसे टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक मैक्रो के बारे में। आज हम सीखेंगे कि मैक्रो कैसे रिकॉर्ड होती है, मैक्रो को कैसे क्रिएट किया जाता है और मैक्रो का यूज कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों हम मैक्रो को टेप रिकॉर्डर से रिलेट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम टेप रिकॉर्डर के अंदर कोई भी गाना रिकॉर्ड करके और जब हमें वह गाना सुनना होता है हम सुन सकते हैं खाली एक बटन दबा के। सेम वही काम हमारा एमएस एक्सेल में मैक्रो करती है दोस्तों। जितने भी माउस के क्लिक्स होते हैं और जो भी फंक्शन हमने क्लिक किए हुए होते हैं जो सारे को रिकॉर्ड कर देता है और जब हमें वह वापस चाहिए होता है तो हम सिंगल क्लिक से उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैक्रो एमएस एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन है जिसका यूज करके हम कितने भी माउस क्लिक्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनको बाद में काम आने पर हम उनका यूज भी कर सकते हैं। मैक्रो का यूज करके आप अपना ढेर सारा काम चुटकियों में यूं निपटा सकते हैं क्योंकि आपको एक बार रिकॉर्ड करना है। मैक्रो बहुत ज्यादा यूजफुल तब हो जाती है जब हमें कोई काम बार बार करना पड़ता है या रोजाना हमें एक ही एक्टिविटी रिपीट करनी पड़ती है तो हमें सिंपली कुछ क्लिक्स करने होंगे, उस काम को एक बार हमें रिकॉर्ड कर लेना है और हम रोजाना उसमें सिंगल क्लिक से उस काम को रिपीट कर सकते हैं, हमें वो रोजाना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एक्सेल में ऐसी ही नई चीजें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जुड़े रहे। आप यहाँ नीचे रेड कलर के आइकन पर बटन से क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे ये फायदा होगा कि जब भी इन फ्यूचर में कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको इजिली मिल जाएगी। चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास में एक डंप शीट है, इस तरीके की डंप आप अपने किसी ऑफिस के टूल से या किसी पोर्टल से एक्सपोर्ट जरूर करते होंगे और इस पे आपको डेली कुछ न कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती होगी और इस डेटा की कुछ फर्निशिंग और आपको इस डेटा को अलाइन करना होता होगा जिससे आपको समरी क्रिएट करते होंगे। कई कई बार आपको ये डंप दिन में 3-4 बार भी निकालना होता होगा, उस पे वर्किंग करनी होती होगी तो आपको एक ही एक्टिविटी यानी एक ही टाइप का काम बार बार रिपीट करना होता है तो उसके लिए ही हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें वो काम बार बार नहीं करना पड़े और हम उसको एक बार में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे डेवलपर टैब पे जाना है और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास में ऑप्शन नहीं आ रहा है डेवलपर टैब में तो आपको फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ऑप्शन वाले बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आप जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पॉपुलर कमांड की जगह पे आपको ऑल कमांड सेलेक्ट कर लेनी है और नीचे जाके आपको यहाँ पे मैक्रो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैक्रोज आ रही हैं, मैक्रोज मैक्रो सिक्योरिटी, तो आप यहाँ से मैक्रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, देन ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे ओके कर सकते हैं तो आपके पास में मैक्रो का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे भी आ गया है, अगर आपको रिबन में ऐड करना तो आप रिबन में भी ऐड कर सकते हैं। अब मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मैक्रो रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में जो भी आप क्लिक्स करेंगे वो सारे रिकॉर्ड होते जाएंगे। तो मैक्रो जैसे मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें फिलअप करनी होती हैं कि मैक्रो का नाम क्या है। यहाँ पे मैक्रो का नाम अगर मुझे देना है तो ये ऑप्शनल है, आपको देना ही होगा, कंपलसरी है सॉरी। तो कंपलसरी में से मैक्रो का नाम मैं लिख देता हूँ, जैसे मॉर्निंग डंप लिख देता हूँ। अगर आपको एक से ज़्यादा वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो उनके बीच में आपको अंडरस्कोर या स्पेस कुछ तो देना पड़ेगा, खाली आप नहीं छोड़ सकते, स्पेस यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट की आप देख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं, नहीं देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे दे भी सकते हैं। फिर इसके बाद में आपकी जो मैक्रो है वो कहाँ पे स्टोर होगी उसके लिए आपको लोकेशन देनी होगी। यहाँ पे आपके पास में 3 टाइप की वर्कबुक्स की लोकेशन आएगी। दिस वर्कबुक का मतलब कि आप इसी वर्कबुक के अंदर इसको परफॉर्म कर सकते हैं, न्यू वर्कबुक के अंदर कोई भी न्यू वर्कबुक जो ओपन करेंगे उसके अंदर ही कर सकते हैं, और पर्सनल मैक्रोबुक के अंदर आप कोई भी मैक्रोबुक जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो भी वर्कबुक हैं जो आपके कंप्यूटर में सेव हैं उन पे आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिस वर्कबुक सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आप एक साइन देख सकते हैं कि मैक्रो रिकॉर्डिंग आपके स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, यानी कि अब आप जो भी क्लिक्स करेंगे वो सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इस डेटा को मैं कंट्रोल ए के साथ में सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन होम बटन पे जाता हूँ और इसको मिडिल अलाइन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ से इसको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ। ओके अब मुझे फर्स्ट वाली जो रो है ना दोस्तों उसको मुझे बोल्ड करना है और इसकी जो बॉर्डर है ना वो भी मुझे हार्ड बॉर्डर यहाँ पे डालनी है, तो थिक बॉक्स वाली बॉर्डर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको मैं फिट टू कॉलम पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इन सभी कॉलम्स को मैं फिट कर देता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट रो को मैं कुछ यहाँ पे कलर भी दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे येलो कलर भी दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो शीट है वो फर्निश हो चुकी है। अब मुझे मान लीजिए इनमें से कुछ कॉलम्स हैं डिलीट करने हैं, मेरे किसी काम के नहीं होते हैं तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। इन कॉलम्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इस कॉलम को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से ये जो वैल्यूज़ हैं मेरे किसी काम की नहीं है और मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों ओके यहाँ से मैं कंपनीज़ के नेम भी डिलीट कर देता हूँ और ये मुझे मोबाइल नंबर रखना है, मोबाइल नंबर मैं रख लेता हूँ, बाकी की डिलीट कर देता हूँ।
ईमेल आईडी में रख लेता हूं और यहां से इन वैल्यूज को मैं डिलीट कर देता हूं दोस्तों। यहां से मुझे जो ये सम है ना दोस्तों, यानी कि इसका जो टोटल सम है ना, वो अगर मुझे लेना है तो सिंपली मैं इसको फ्रिज पेंस में यहां पे लगा लेता हूं। तो फ्रिज पेंस के लिए मैं यहां पे Alt+WFF में यहां पे यूज कर लेता हूं। तो मेरी फ्रिज पेंस भी अप्लाई हो गई है दोस्तों, और मुझे यहां पे इन सब का सम करना है। तो मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, इनका सम कर लेता हूं, इसको बोल्ड कर लेता हूं और इसका कुछ कलर भी यहां से मैं दे देता हूं दोस्तों। तो ये मेरा यहां पे इसका आ गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी बातें जो हमने यहाँ पे अभी तक क्लिक्स किए हैं वो सारी मेरी मैक्रो में रिकॉर्ड हो गई हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अब ये जो मैंने सारा टास्क किया है इसमें मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे आप कोई भी लेंदी डेटा भी आप काम कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने परफॉर्म किया है और मैं यहीं पे क्लिक करके मेरी जो रिकॉर्डिंग मैक्रो है उसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। अब ये जो डंप में मैंने जितना काम किया ना दोस्तों, ये सारा मेरी मैक्रो में रिकॉर्ड हो गया है। इसका अगर आपको डेमो देखना है तो सिंपली शीट 2 पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने वही डंप एक बार कॉपी करके रखा हुआ है, तो इस डंप को आप देख सकते हैं कि इस डंप को अगर मुझे इसी फॉर्मेट में क्लिक करके लेके आना है तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटा पे क्लिक करना है। देन मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरी डेवलपर टैब पे और मैक्रो पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। जैसे मैक्रो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जो मैंने मैक्रो का नाम रखा था ना मॉर्निंग डंप, उस पर क्लिक करता हूँ और इसको रन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यू कैन सी द मैजिक की जो मेरी मैक्रो है वो देखिए यहाँ पे परफॉर्म हो रही है और आप देख सकते हैं कि अपन ने जितनी भी एक्टिविटी करी थी वो सारी परफॉर्म होके और उसका सब टोटल यहाँ पे आपके पास में आ गया है। आप देख सकते हैं कि आपका जो सारा डेटा था वो टोटली फर्निशिंग फॉर्म में आपके पास में आ गया है विद इन अ सेकेंड, बहुत ही ईजी स्टेप्स में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आज आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आज आपने वाकई में कुछ ना कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।